जय गुरुदेव, जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? आज के खुश में आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। बहुत ही प्रभावशाली उपाय आज बताने जा रही हूँ। नाग केसर। नाग केसर एक तांत्रिक वस्तु है जिसे आमतौर पर हम किचन में मसालों में यूज़ करते हैं, लेकिन इन अद्भुत चीज़ों की हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि इन चीज़ों में कितना कितना ही गहरा राज छुपा है, कितनी ये प्रभावशाली वस्तुएं हैं। तो आज इसी के बारे में, इसी का उपयोग करते हुए एक उपाय आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, धन को खींचता है। इस उपाय के करने से आपके घर में धन समृद्धि बनी रहेगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है ये। इसके करने से धन लक्ष्मी इतनी आकर्षित होती है कि सदैव आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। तो क्या है ये उपाय, जल्दी से हम बात कर लेते हैं इस उपाय की। सबसे पहले सामग्री आपको ये चाहिए, एक मुट्ठी नागकेसर, एक हल्दी की गांठ, 5 सुपारी, 1 तांबे का सिक्का और 1 मुट्ठी साबुत चावल। ठीक, ये सारी सामग्री आपने एक पीले वस्त्र के ऊपर रख लेनी है। पोटली एक तैयार कर लेनी है, वस्त्र नया होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इस उपाय को करें कब। इस उपाय को करना है शुक्रवार को, शुक्र की होरा में, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए, उसी समय आपको ये उपाय करना है। करना क्या है, ये सारी पोटली तैयार कर ली, सारी सामग्री एक पोटली में डाल करके अपने पूजा स्थान में श्री यंत्र के सामने रख करके धूप दीप अच्छे से करके ओम श्रीं श्रिये नमः इस मंत्र का 1 माला जाप करना है। जाप करने के बाद इस पोटली को पीले ही धागे से, पीली मोली से बांध कर कुछ समय के लिए रख दीजिए और शुक्र होरा के अंदर ही आपने इस पोटली को उठा करके अपने धन स्थान पर रख देना है। बार बार इसे टच नहीं करना, बस रोज़ इस माला का जाप करते रहना है और साथ ही साथ धूप दीप आदि पोटली को करते रहना है। सिर्फ इतना सा उपाय है, बहुत ही अद्भुत उपाय है, बहुत कारगर उपाय है। ये नाग केसर का ऐसा चमत्कार होता है कि ये धन को अपनी तरफ आकर्षित करती है, धन को अपनी तरफ खींचती है ये। तो जहाँ पे भी ये नाग केसर होगी वहाँ अपने आप सदैव माँ लक्ष्मी अपने आप चलकर आ जाती हैं। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। और जब इस नाग केसर के साथ में हल्दी सुपारी जब इनका समावेश हो जाता है तो ये अपने आप में और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। ज़रूर इस उपाय को कीजिए, इसका लाभ लीजिए और अपने घर को धन समृद्धि से समृद्ध बनाइए। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। नाग केसर एक आकर्षक वस्तु है जो कि आकर्षण को बढ़ाती है। अगर घर में बहुत कलह रहता हो, अनावश्यक ही लड़ाई झगड़े होते रहते हों, तो नाग केसर का लेप बना लीजिए। गुलाब जल के साथ नाग केसर को पीस करके सिलबट्टे में या खरल में पीस करके अच्छे से लेप बना लीजिए और उसे अपने माथे पर तिलक लगा लीजिए। इससे क्या होगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा और जैसा आप चाहेंगे वही होगा। तो इससे घर में कलह क्लेश का वातावरण शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये क्रिया आपने रोज़ करनी है। ये उपाय विशेष घर के लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने के लिए है, इसीलिए इसमें केवल गुलाब जल और नाग केसर का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों को अच्छे से पीस करके इनका लेप बना करके माथे पर तिलक करना है। इसके लिए कोई समय अवधि नहीं है, कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब भी आपको घर का वातावरण गड़बड़ाता लगे तभी आप ये कार्य कर लीजिए और उस समय से लेकर लगातार इस क्रिया को करते रहिए। इसका बेनिफिट ही है, इसका आपको लाभ ही है। जितना आप इसे रेगुलर रखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपके अंदर आकर्षण की शक्ति बढ़ेगी, जिससे कोई भी जो भी आपकी तरफ देखेगा वो आकर्षित होगा आपसे। तो इसीलिए इस क्रिया का कोई समय अवधि नहीं है,
कोई इसको बंद करने की कि इतने दिन करना है इतने दिन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाक के सर की और भी बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिससे आप धन प्राप्ति कर सकते हैं, आप अपना और भी ज़्यादा आकर्षण बढ़ा सकते हैं। ये एक तांत्रिक वस्तु होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, तो इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। आगे कुछ वीडियो में नाग केसर को लेकर और भी उपाय आपको बताए जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो इन उपायों का लाभ उठाइए। बहुत ही शुभ समय आगे आ रहा है। अगली वीडियो आने तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।